तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 18 प्लस एज वाले लोग हैं उन्हें वैक्सीनेशन का काम भी चालू हो गया है तो उससे रिलेटेड एक फ्रॉड होने वाला है, मतलब फ्रॉड हो रहा है। इसका मतलब ये है जो वैक्सीन के लिए अब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं 18 प्लस वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों के साथ ये फ्रॉड हो रहा है कि एक फेक एप्लीकेशन है, एक फेक लिंक है जिसके जरिए आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल रहा है। तो वो क्या है, क्या फेक है, उससे क्या नुकसान होने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी लिंक से आपको कैसे बचना चाहिए। तो हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं टेक्नो पाठशाला। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बता दूं जो 18 प्लस के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन चालू है वो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन कई लोगों को पता नहीं है कहां पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, किस वेबसाइट पर हो रहा है, किसके जरिए होता है। मैं आपको ऑफिशियली बता दूं, सबसे पहले आप आरोग्य सेतु ऐप से कर सकते हैं और दूसरी जो है वो कोविन की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं अब कैसे मतलब ये फ्रॉड किया जा रहा है। देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक आपको लिंक आ रही है, उस लिंक में लिखा गया है कोविड 19 वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्टर्ड फॉर कोविड वैक्सीन फॉर 18 प्लस रजिस्ट्रेशन हियर। आप इस लिंक में देख सकते हो, मैंने अपनी कई वीडियोस में आपको बताया है जिस लिंक में HTTPS नहीं है, एस नहीं है, वो लिंक भी सिक्योर नहीं होती है। तो एक तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में आपको बताया ऐसी किसी लिंक पर क्लिक नहीं करना है आपको जिसमें HTTPS नहीं है, एस मतलब सिक्योर। वो लिंक अगर सिक्योर नहीं है, एस नहीं लगा है, उस पर क्लिक नहीं कीजिए क्योंकि वो एक मेलवेयर लिंक है। क्या हो रहा है, यहाँ पे कई सारे लोग इस लिंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनके मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जा रही है जो कि हाइड हो जा रही है। इवन ये एप्लीकेशन डाउनलोड होने के साथ आपसे कुछ एक्सेस मांग रही है, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके माइक्रोफोन्स, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स भी वहां से वो चुरा सकती है। अब ये बताइए कोविड-19 की वैक्सीन के लिए कॉन्टैक्ट्स की क्या जरूरत है, हमारे माइक्रोफोन की क्या जरूरत है। तो ऐसे फ्रॉड किया जा रहा है। अब आप ये पूछेंगे कि भैया हमें इससे बचना कैसे। सबसे पहले बचने का तरीका है कोई भी लिंक पर क्लिक मत करिए, आरोग्य सेतु और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में। दूसरी चीज, हम पहचानेंगे कैसे ऐसी लिंक ये फ्रॉड है। सबसे पहले ऐसी लिंक पहचानने के लिए आपको HTTPS होना चाहिए, वहां पे S होगा तो मतलब सिक्योर लिंक है, वहां पे जाके आप जा सकते हैं। फिर भी सिक्योर नहीं होती है, कभी कभी आप देख लीजिए उसकी स्पेलिंग्स में मिस्टेक हो सकती है। तीसरी चीज ये है कि मतलब ये जो लिंक पे हमने क्लिक कर दिया इससे नुकसान क्या होगा। मैं आपको नुकसान बता दूं, आपके मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी जो कि मेलवेयर होगा और आपका जो मोबाइल होगा आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, मतलब उस पर एड्स शो होने लगेंगे। एड्स शो होने के साथ साथ आपका फोन ऑटोमेटिकली कहीं भी लग सकता है। दूसरी चीज, आपका डेटा, आपका फोन हीट करने लगता है जिसके कारण जो आपका फोन का डेटा है वो कहीं ना कहीं इंटरनेट के थ्रू उस सर्वर पर जा रहा है जिसका जो ऐप है या फिर जो मेलवेयर है या फिर ये किसी भी कंपनी का ऐप है, फॉर एग्जांपल जैसा चाइना करता था हमारे साथ। तो बस यही था पूरी वीडियो में मुझे आपको बताना था कि कैसे आप इस ऐप से बच सकते हैं। ऐसी कई सारी फ्रॉड से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। तो बताइए कमेंट्स में कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो बस मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, कल मिलते हैं।